जब भी डीमोटिवेशन मिलती थी या कुछ भी लो फील करता था मैं आई ऑलवेज यूज़ टू थिंक कि मैंने ये तैयारी शुरू क्यों की थी आई न्यू पी सी एस पंजाब सिविल सर्विस एग्जाम वॉज नियर बाय अगर यू पी एस सी में सक्सेस रेशियो इज़ पॉइंट जीरो जीरो वन तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो वॉज पॉइंट जीरो 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 टू एट यू हैव टू गेट अ रैंक इन टॉप सिक्सटीन सारा रैंक भी आता है तो यू आर गॉन सर जब मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो अगली बार फिर इस कुर्सी से आके बैठा हुआ बट मैं सिलेक्ट जरूर होगी नमस्कार मेरा नाम जशनदीप सिंह कंक और मैं एक पी ऑफिसर हूँ पी सी एस में मेरा रैंक बारह था एंड uh, मैं एक ऑथर भी हूँ मैंने दो बुक्स ऑथर की हैं uh, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा बहुत आसान सा सवाल है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस सन में हराया स्टैंडर्ड स्कूल बुक क्वेश्चन uh, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 सबको मालूम बट अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि 15 20 15 एटीन से लेके 15 24 के बीच में उसने कितने अनसक्सेसफुल किए तो शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे आप छोड़िए कोई पी स्टूडेंट से भी मैं पूछूँ तो वो भी एक टाइम एक सोचने लग पड़ेगा तो इसका लेसन ये है कि इतिहास हमेशा एक ग्लोरियस जीत याद रखता है फे, फेल फेल अटैम्प्ट याद नहीं रखता है मेरी कहानी शुरू लाइक like, शुरू होती है स्कूल डेज में आ, सिविल सर्वेंट बनना मेरा एक बचपन से ही एक ड्रीम था बट द थिंग इज आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो एंड स्पेशली जब आपके पेरेंट्स विलेज में ब्रॉटअप हुए हों सो यू तो आपके पास यूजली दो ऑप्शन होते हैं स्पेशली जब अस्सी परसेंट या टाइल वाले कैंडिडेट हों आप तो आई वॉज गिवन टू ऑप्शन इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एंड आई टूक इंजीनियरिंग तो उस टाइम पर अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो तीन इंस्टीट्यूट्स पूरे नॉर्थ इंडिया में दे वर ड्रीम इंस्टीट्यूट्स इन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स पहला आई दूसरा बिट्स और तीसरा पेक मैंने तीनों तीनों एग्जाम्स क्लियर किए और आई इज अ ड्रीम द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया बट आई डिसाइडेड कि मैं वहां पर एडमिशन नहीं लूंगा आई वॉज गेटिंग अ आई आई टी रुड़की उसका रीजन ये था कि सिविल सर्विस ज्वाइन करना हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है और मुझे पैक में भी मिल रही थी लोकल uh, कॉलेज में मिल रही थी सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने होमटाउन में रहूंगा एंड आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज सो ऐसे मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी 2011 में शुरू हुई बट सम हाउ जैसे आई कम्पलीटेड माई इंजीनियरिंग तो उसमें आई वॉज वन ऑफ द टॉपर थैंक्स टू दोट्स ऑफ द फ्रंट बेंचर्स और मेरी मेहनत होती थी कुछ आखिरी एग्जाम डेज लास्ट मोमेंट में तो आई एंडेड विद सी जी पी एफ नाइन पॉइंट सेवन एट बट येस आई न्यू की एम नॉट मेट फॉर इंजीनियरिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन में जब प्लेसमेंट्स की बारी आई आई वॉज अमंगस द यूनिवर्सिटी टॉपर्स आई डेंट गो फॉर द प्लेसमेंट्स ये दूसरी बार था जो मैं बहुत टफ डिसीजन ले रहा था बिकॉज प्लेसमेंट्स के दौरान कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं और आपको हैंडसम पैकेजेस ऑफर करती हैं अगर आप बाद में अगर आप यू डोंट टेक द प्लेसमेंट्स तो बाद में आपको कंपनीज के पास जाना पड़ता है टू गेट जॉब्स सो दैट वाज द सेकंड टाइम आई वाज टेकिंग अ वेरी टफ डिसीजन इन माय लाइफ बिकॉज सिविल सर्विसेज मेरा एक uh, बहुत पहले से पैशन रहा है सो फुल प्रोंग जो तैयारी है सिविल सर्विसेज के लिए वो इट बिगेन इन टू और मैं दो से ही तैयारी कर रहा था टू uh, थाउजेंड में अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट क्लियर इवन प्रिलिम्स इट वॉज अज सेटबैक मुझे उम्मीद थी कि मैं प्रिलिम्स तो और कम से कम इंटरव्यू लेवल तक पहुंचूंगा। बट प्रिलिम्स में ही आईं फेल टू क्लियर प्रिलिम्स आई जस्ट बाउंस बैक कुछ एक गिफ्ट आप गिफ्ट कह सकते हैं कि आई हैड दी एबिलिटी टू बाउंस बैक जब भी डीमोटिवेशन मिलती थी कुछ भी लो फील करता था मैं आई ऑलवेज यूज टू थिंक मैंने ये तैयारी शुरू क्यों की थी So उससे आई गॉट ऑल द बूस्ट एंड

आई कुर द जर्नी एंडेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ना लेट मी टेक यू लिटल बैक इन दीज सिक्स ईयर्स ये छः साल की जर्नी इट ऑल uh, सिर्फ मेरे घर के कमरे में कन्फाइंड थी सुबह सात बजे उठना और अपने तैयारी में लग जाना प्रिपरेशन में लग जाना विद सम्यू स्केप्स लाइक इवनिंग वॉक और सम अदर सच स्केप्स सो जस्ट जस्ट इमेजिन दैट यू आर सेटिंग इन यूर रूम विद विट ऑफ यू एंड फॉर थर्टी डेज आप जो प्रेशर फील करेंगे सो वो प्रेशर हम एस्पिरंट्स फील करते हैं वी टेक दैट प्रेशर थ्रू इंटायर आर जर्नी सो आई एम क्वाइट ग्लैड दैट एस्पिरंट्स की अब जर्नी अब बताई जा रही है थ्रू वेब सीरीज थ्रू अब टॉक्स लाइक जोश टॉक्स सो टू थाउजेंड ट्वेंटी में जब द जर्नी एंडेड कैन यू इमेजिन वट इट मेन्ट वट इट हाउ इट फेल्ट लेट मी टेल यू यू कै नॉट इमेजिन इट वॉज द एंड ऑफ टेन इयर्स ऑफ माई लाइक लाइक हार्डवर्क और माई डेडिकेशन सो आई हेट सेक्रीफाइज द लॉर्ड फॉर दिस ड्रीम जो कि दो हजार बीस में खत्म हुआ एंड आई एम नॉट शाई टू टेल यू दैट आई कुडेंट स्लीप फॉर अ वीक और सो बिकॉज लॉर्ड ऑफ वन थर्ड ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट ऑन यू पी एस सी प्रिपरेशन उ आई अगेन कलेक्टेड माई सेल्फ आफ्टर वन वीक और टेन डेज माई मदर आई आई केम टू नो दैट माई पेरेंट्स वर डूइंग सम अरेंजमेंट्स कि मैं कैनेडा जाऊंगा मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा और आई आई स्टार्ट फ्रेश ओवर देर बट आई सेट कि आई नॉट बिलीव मैं कैनेडा नहीं जाऊँगा मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने अपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस थे फ्रेंड्स थे मेरे जिनको मैंने हिम्मत हारते हुए कनाडा uh, जाते हुए देखा था या ऑस्ट्रेलिया जाते हुए देखा था आई सेट की एल नॉट क्विट लाइक दिस आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन सो आई न्यू पी सी एस पंजाब सिविल सर्विस एग्जाम वॉज नियर बाय एंड आई टोल्ड माई मदर की आई अटेम्प्ट पंजाब सिविल सर्विसेज माई मदर जस्ट ब्रॉट दी सी एस नोटिफिकेशन उस पर पहले से हाईलाइट किया हुआ था कि यू विल बी कंपीटिंग फॉर जस्ट सिक्सटीन सीट्स द सक्सेस रेशियो टर्नजी इवन वर्स देन यू पी एस सी अगर यू पी एस सी में सक्सेस रेशियो इज पॉइंट जीरो जीरो वन तो यहाँ पर सक्सेस रेशियो वॉज पॉइंट जीरो 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 टू एट अगर साठ हज़ार कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज यू हैव टू गेट अ रैंक इन टॉप सिक्सटीन अगर सतारह रैंक भी आता है तो यू आर गॉन इन स्टेट्स लाइक हरियाणा इफ यू गेट ट्वेंटी फाइव रैंक थर्टी रैंक यू गेट एस डी एम यहाँ पर आपका पच्चीस रैंक अगर आता तो यू आर इट्स ऑल ओवर सो वॉज अगेंस्ट विच आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड आई सम हाउ कन्विंस्ड माई पेरेंट्स कि मैं पंजाब सिविल सर्विस एग्जाम अटैम्प्ट करूंगा आई क्लेड प्रिलिम्स आई क्लेड मेन्स सिक्सटी थाउजेंड कैंडिडेट्स अपीय इन प्रलिम्स उसमें से आठ सौ कैंडिडेट्स मेन्स तक पहुँचे आठ सौ में से फाइनली वन सेवेंटी फाइव इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे इंटरव्यू वॉज क्वाइट पर्सनैलिटी टेस्ट जो जिसको हम कहते हैं फॉर मी uh, मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पटियाला में हुआ था

आफ्टर फाइव मिनट जब आप पूरी तरह से नम्ब हो चुके होते हो एंड जो भी आप सोच के आए होते हो वो वेपराइज हो चुका होता है फिर आपकी असली इंटरव्यू शुरू होती है देन योर इंटरव्यू बिगिन वो ग्रिलिंग होती है थर्टी मिनट्स एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन टेकिंग द रॉ सेल्फ आउट ऑफ यू वो आपको जज कर लेते हैं वो तीस मिनट में यू के नॉट फूल दम सो एज माई इंटरव्यू प्रोग्रेस देर के एम ए पॉइंट जहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सर ने पूछा uh, माई डैफ वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम कि आप एक किताब लिख रहे हो इस किताब का क्या नाम है uh, मैं क्या सर द नेम इज़ अ क्लाइम थ्रू द मिस्ट कहें काका तेरी किताब कौन पढ़ूगा मैं क्या सर जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग जिन्होंने मोटिवेशन चाहिए वो पढ़न गए कू तो कहें जिम्मे तू सिलेक्ट हो दैन आई पॉज फॉर अ वाइल एंड आई साइड कि सर uh, मैं इस बार सिलेक्ट नहीं होवगा तो अगली बार फिर इस कुर्सी पर आ बैठा होव बट मैं सिलेक्ट जरूर होव सो दैट वॉज अ टाइम दैनल गेव अ टेन सेकेंड ऑफ साइलेंस एंड आई फेल्ट कि टर्न द टेबल्स एंड एज इट केम आउट आई ऑल्सो गाइस्ट मार्क्स इन पी सी एस इंटरव्यू राइट बट एज केम आउट ऑफ द इंटरव्यू द रिजल्ट वॉज स्टिल अराउंड ट्वेंटी डेज दूर था रिजल्ट उससे पहले हमारी डी एस पी की रेस थी जो सोलह सीटों की मैं बात कर रहा हूँ सोलह में से छः सीट तो सिर्फ डी एस पी की थी इस बार तो आई uh, है जस्ट बी वहाँ पर उसमें डिमांड्स होती हैं लाइक सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स रेस होती है सात आठ मिनट में रोप क्लाइंब होती है दो मीटर हाई जंप, लॉन्ग जंप, सो आई आई वॉज नॉट वेरी लाइक बहुत रनिंग वगैरह मैं नहीं करता था आई यूज़ शू डू इवनिंग वॉक एंड सो आई स्टार्ट ट्रेनिंग बट टू माई कह सकते हैं कि मेरा इस्टीमेट खराब रहा कि एक महीने का मैंने सोचा था कि मुझे प्रिप्रेशन टाइम मिलेगा बट ऑल आई गट वॉज फिफ्टीन डेज

पटियाला गैसे ही वहाँ पर रेस इट वॉज कम टू एन एंड मैंने देखा कि पचास मीटर में फिनिश लाइन के दूर था आई नोटिस की रेस खत्म हो चुकी है कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पर फिनिश लाइन के पीछे गिरे हुए थे देवर जस्ट ब्रेथलेस फिर मैंने पीछे देखा कैंडिडेट हैड कलेप्स ऑन द रोड हमारी रोड पर हो रही थी रोड ट्रैक पर तो उसको ए एस आई पानी की बॉटल ऑफर कर रहा था आई शो टू माई लुक टू माई राइट वहाँ पर पेरेंट्स की पूरी भीड़ थी एंड देर वॉज पेन ड्रॉप साइलेंस अगेन आई डोंट नो इट वॉज पेन ड्रॉप साइलेंस या फिर मेरे कान नंब थे बिकॉज आई वॉज फीलिंग पेन आई वॉज ब्रेथलेस आई वॉज फीलिंग डिस्पॉन्डेंट बिकॉज रेस खत्म हो चुकी थी सोलह की भी अब दस सिर्फ ग्यारह सीटें रह गई थी सो आई फेल्ट कि मैं यहाँ पर गिर जाऊँ बिकॉज आई जस्ट कूडन टेक दैट एनी मोर बट आई फेल्ट की पूरी लाइफ जो भी मैंने शुरू किया है खत्म हो गई थीड रनिंग एंड समबड़ी इन दी पेरेंट्स की भीड़ में से समबड़ी शाउड की शाबाश बेटा टिल दिस मोमेंट ऑफ माई लाइफ दैट वर्ल्ड रिमेन्स द मोस्ट ग्लोरियस दैट मोमेंट रिमेन्स द मोस्ट ग्लोरियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ सो किसी तरह से मैं फिनिश लाइन पे पहुंचने मैं वहां पर जाके आए जस्ट कोलैप्स्ड वहां पर मैं गिर गया सो दैट्स हाउ इट ऑल आई जस्ट केम बैक टू चंडीगढ़ एंड रिजल्ट वाज टू कम इन नेक्स्ट टू डेज एंड विद द grace ऑफ गॉड आई गॉट रैंक 12 आई मेड इट इनटू पीसीएस फाइनल थैंक यू इसके अलावा uh, मैं कुछ एक uh, बातें शेयर करना चाहूंगा कि वंस यू एंटर इनटू ब्यूरोक्रेसी सी इफ रियल डिजायर टू सर्व सेटिस्फाइंग जॉब नहीं हो सकती आज मैं ऑफिस से आकर सीधा यहाँ पर लेक्स इन टू दर्टी फाइव हंड्रेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सो दीज काम बेशक आप ड्रेन होते हो बेशक आप थके होते हो यू फील सेटिस्फाइड

दूसरा यू शुड नो वट टू रिजेक्ट रादर देन वट टू सिलेक्ट वेल सिलेक्टिंग राइट क्या रिजेक्ट करना इतनी में सारे है, इतने सारे है. आपको पता होना चाहिए थर्ड थिंग वाइल चूजिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाइल चूजिंग योर बुक्स बी वेरी सिलेक्टिव एक बार नोट्स बन जाते हैं वो आपसे छोड़े नहीं जाते हैं फिर राइट right? सो so, केयरफुल अबाउट दैट चौथी चीज सबको जल्दी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी राइट right? हो सकता है आपको तीन अटैम्प्ट लगे चार अटैम्प्ट लगे और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे जैसे आपके अटैम्प्ट गुजरते जाएंगे आपका बैगेज बढ़ता जाएगा आप ज्यादा भारी बैगेज के साथ एग्जाम में जाएंगे ठीक है ना सो so, उसके लिए आपको करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए यार एंड रिमेंबर थ्री पीज ऑलवेज पैशन योर द पैशन फॉर सिविल सर्विसेज पेशेंस एंड परेंस थ्री पीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और लोग आपको क्रेजी कह रहे हैं पागल कह रहे हैं लेट देम लेट देम है सेल्फ बिलीफ राइट ट्रस्ट मी गाइज पीपल टेक जस्ट वन पॉइंट फाइव मिनट्स टू शिफ्ट फ्रॉम हेयर एंड हेयर टू देयर जो लोग आपको स्ट्रगल के दौरान आपको दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग यू और पुटिंग यू डाउन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो वही लोग लाइक like, कि यार मुझे तो पता था यार तू सक्सीड करेगा मुझे तो हमेशा पता था सो पीपल ऑलवेज टेक टू मिनट्स टू शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू देअर सो दैट इज ऑल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट थैंक यू हेलो साथियों जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की आई की मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने विवेक आई एस करियर अकेडमी का टाइप टॉक्स के साथ हुआ है और मैं मेंटर हूं विवेक आई एस करियर अकेडमी का और हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं यूपीएससी की आई ए एस आई की उनमें जो कोचिंग के बिना आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं मतलब सौ में से चार पाँच ही ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं अस्सी कैंडिडेट्स कोचिंग के जरिए आए होते हैं ताकि उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो उनको मेंटर मिले कोई ना कोई ना जैसा ताकि वो सक्सेसफुल हो सके गाइडेंस के बिना सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल होता है तो जो टाइप अभी हुआ है जोश टॉक्स और विवेक आई एस करियर अकेडमी के बीच में उसका फायदा उठाइए इस लिंक पे क्लिक करिए और डेमो क्लास मेरी डेमो क्लास के लिए भी रजिस्टर करिए ताकि आप जोश से जो स्टूडेंट बन सके इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें